जनपद आगरा में कोली समाज का जागरूकता महासम्मेलन 26 फरवरी 2024 को होने जा रहा है। यह जानकारी कोली समाज के राष्ट्रीय नेता विजय माहौर ने इस संबंध में प्रेस वार्ता करके दी। कोली समाज के नेता विजय माहौर ने बताया कि देश की आजादी के 76 साल बाद आगरा में पहली बार कोली समाज का महासम्मेलन किया जा रहा है। यह सम्मेलन 26 फरवरी 2024 को पंचकुइया स्थित GIC मैदान पर आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने बताया कि कोली समाज की 16 उपजातियां हैं और वो सभी अलग अलग विचार भाव रखती हैं। इसकी वजह से कोली समाज को कहीं भी प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिल रहा है। इस महासम्मेलन के आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य कोली समाज को एकजुट करना है। उनका कहना यह भी था कि अगर कोई समाज अलग अलग वर्गों में बंट जाएगा तो उसका तिरस्कार ही होगा और वहीं संगठित समाज अपनी हर मांग पूरी करवा सकता है। उद्देश्य यह है कि हमारा जो है हमारे समाज में सामाजिक स्तर पर काफी संगठन है, सब अपनी अपने दुकान चलाते हैं अलग अलग। हम चाहते हैं कि एक ही मंच पर सब आए, सामाजिक संगठन के लोग एक समाज में एक कोरी कोरी समाज की जनता एकजुटता का आह्वान करें, संगठित करें और राजनीतिक विकास को लेकर भी आगे बढ़ें। नया परिवर्तन लाने के लिए हमने एक मंच पर सबको आमंत्रित किया है, चाहे वो विधायक कांग्रेस से हो। जी, कोई नया संस्था आपने बनाई है या कैसे, किस तरह से लोगों को जोड़ना चाह रहे हैं, कैसे जोड़ पाएंगे? अगर ऐसा है, अगर निर्णय लेंगे तो इन सबको ख़त्म करके एक नया संगठन ही बन सकता हमारा, क्योंकि सब चल रहे हैं अलग अलग। हर गली में राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य हैं, तीन प्रदेश के अध्यक्ष हैं, क्या संदेश दे रहे हैं वो? इसलिए और फिर दूसरी तरफ हमारे समाज की 15-16 जातियां हैं, हर नाम से सभी में भेदभाव की नीति है, सबको हम एक मंच पर ला कर एकजुटता का संदेश देने के लिए या राष्ट्रीय कोरी कोरी समाज का राष्ट्रीय एकता जागरूक करने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि साहब भटक रहा हमारा समाज, क्योंकि सही माने में जो लोग संगठनों के माध्यम से सांसद विधायक बनते हैं बनने के बाद वो समाज को देखते नहीं है। ऐसी स्थिति में लोग कहाँ से जागरूक होंगे, कहाँ से संगठित होंगे? किसी जिले में संगठन बनाने का काम नहीं किया, वार्ड स्तर पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपने मस्त कार्यक्रम में मस्त हैं, तो इस तरह से समाज का क्या होगा, कहाँ ले जाएंगे? हम तो अंधकार की काली खाई में चला गया हमारा समाज पूरा धीमे धीमे करके। कौन किस पर विश्वास करेगा फिर कि साहब जो हमारे समाज का राष्ट्रीय नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष है, बोले एक आता दूसरा चला जाता, दूसरा आता तीसरा चला जाता। इसलिए संदेश देने के लिए हमने इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन रखा, पहली बार इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है आगरा में। कब होना है ये? 26 फरवरी को GIC ग्राउंड में होना है। कितनी संख्या आने की संभावना? संख्या 20-25 के आसपास होगी। क्या नाम से रहेगा ये? कोरी कोली समाज का राष्ट्रीय एकता जागरूक महासम्मेलन। ये प्रेस वार्ता की जा रही है, 26 फरवरी को सम्मेलन होने जा रहा है, उसके उपलब्ध में हमने ये प्रेस वार्ता रखी है। देश को आज़ाद हुए कम से कम 75 साल से ऊपर हो गए, लेकिन हमारी समाज को अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है। कुछ हमारी समाज के नेता लोग बनते हैं, अपना काम करते हैं, निकल जाते हैं, लेकिन समाज की ओर कोई ध्यान नहीं देता है। हमारी समाज को आज तक कोई दिशा दिखाने वाला कोई ऐसा नेता नहीं मिला कि हमारी समाज को आगे बढ़ा सके, राजनीति के अंदर ला सके। ये जो सम्मेलन आप करने जा रहे हैं, इसमें क्या अपने समाज के लिए क्या निर्धारण करने जा रहे हैं? देखिए, हमारी समाज में कई तरह के वो हैं, जातियों बटे हुए हैं अलग अलग, तो वो हम सबको इकट्ठा कर रहे हैं। इसमें एक मंच में आइए और अपनी आवाज़ रखिए, राजनीति के सामने रखिए, किसी बात को संगठन के सामने रखिए, कम से कम तुम्हारी सुनाई तो होगी, इकट्ठे हो लोगे संगठन में रहोगे तो होगी, वरना कुछ नहीं होगा। ऐसे 78 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ आज तक, अब प्रयास कर रहे हैं हम इसका। 26 फरवरी को एक बहुत बड़ा महासम्मेलन करने जा रहे हैं, तो उसके लिए देखते हैं क्या होता है आगे। ये प्रेस वार्ता 26 फरवरी को GIC ग्राउंड में एक कोरी समाज का राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है, इस संदर्भ में ये पत्रकार वार्ता बुलाई है। और सम्मेलन का उद्देश्य कोरी समाज को एकजुट करना। कोरी समाज की संख्या आगरा के अंदर कम से कम हर विधानसभा पर निर्णायक भूमिका निभाती है, ये मान के चलो, या उत्तर विधानसभा हो या दक्षिण विधानसभा हो या दयालबाग विधानसभा हो या ग्रामीण विधानसभा हो, कोरी समाज की इतनी संख्या है कि हराने और जिताने का काम करती है, निर्णायक भूमिका में रहता है। लेकिन उसके बावजूद देश की आज़ादी के बाद भी कोली समाज को कोई भी जिम्मेदारी ना हिस्सेदारी अभी तक नहीं मिली है। इसलिए कोली समाज 26 फरवरी को एक विशाल सम्मेलन होने जा रहा है, उसमें एक अपनी एक अलग छाप छोड़ेगा,
जो एक अलग संदेश देगा कि कोली समाज अब लड़ाई के मूड में है और कोली समाज अब जाग चुका है और भी हमारे संगठन काम कर रहे हैं। सब लोग लोकसभा जो 2024 में होने जा रहा है उसको भी ध्यान में रखते हुए ये तैयारी पूरी जोर शोर से आगरा महानगर और पूरे मंडलों में और पूरे प्रदेश में चल रही है। डीजी महाराजा न्यूज के लिए शैलेंद्र लवानिया की रिपोर्ट।